तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड समीर में। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इमेसिस के बारे में कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर वॉमिटिंग होती है या किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर इमेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एंटी इमेटिक ड्रग हमारी बॉडी के अंदर कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों उससे पहले हमको यह समझना जरूरी हो जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर इमेसिस कैसे होती है। अब जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि इमेसिस किन किन प्रोसेस की वजह से हो रही है तब तक हम एंटी इमेटिक ड्रग्स के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इमेसिस क्या होता है, उसको कौन कौन से रिसेप्टर या कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर वॉमिटिंग होती है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमेसिस की डेफिनेशन की कि इमेसिस होता क्या है। तो दोस्तों जब भी हम कोई भी फूड पार्टिकल को खाते हैं तो वो हमारे माउथ के थ्रू होता हुआ इसोफेगस में होता हुआ हमारे स्टमक के अंदर जाता है। ये नॉर्मल डायजेशन फूड की होती है, लेकिन किसी भी कारण से यदि वो फूड जो स्टमक के अंदर था वो अपोजिट डायरेक्शन में होता हुआ इसोफेगस के थ्रू होता हुआ हमारे माउथ के थ्रू बाहर निकल जाए तो उसको हम बोलते हैं इमेसिस या वोमिटिंग या बोले उल्टी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जो इमेसिस होती है वो कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहला टाइप होता है दोस्तों इसका मॉर्निंग सिकनेस। अब मॉर्निंग सिकनेस क्या है? तो दोस्तों जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उनके अंदर क्या होता है, हमको ज्यादातर वोमिटिंग देखने को मिलती है। अब वो वोमिटिंग देखने को मिलती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग सिकनेस। अब ये जो मॉर्निंग सिकनेस है इस मॉर्निंग सिकनेस का जो कारण होता है वो अनोन है। कुछ रिसर्चों से पता चला है कि जो फीमेल होती है उस फीमेल के अंदर जो प्लेसेंटा होता है या प्रेग्नेंट वुमन के अंदर जो प्लेसेंटा होता है वो प्लेसेंटा क्या करता है, एससीजी हार्मोन को सीक्रेट करता है। अब एससीजी क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। क्या है दोस्तों, एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करता है, इसी की वजह से हमको इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, वोमिटिंग देखने को मिलती है, इमेसिस देखने को मिलती है और इसी को हम बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड है मोशन सिकनेस। अब मोशन सिकनेस क्या होता है, मोशन सिकनेस उसे बोलते हैं, आपने देखा होगा ज्यादातर क्या होता है कि जब हम ट्रेवल करते हैं कार के अंदर या बस के अंदर जब ट्रेवल करते हैं तो हमको क्या होता है, वोमिटिंग होती है। अब वो वोमिटिंग क्यों होती है तो उसके कारण के बारे में हम आगे वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन वो जो वोमिटिंग जो ट्रेवल के दौरान हमको हो रही है उसको हम बोलते हैं मोशन सिकनेस। थर्ड होती है गैस्ट्रिक सिकनेस। अब गैस्ट्रिक सिकनेस क्या है, तो दोस्तों किसी भी कारण से यदि स्टमक के अंदर या फिर स्टमक के अंदर बात करें तो किसी फूड पार्टिकल के या फूड पार्टिकल के खाने से या ऐसा आहार आप लोगों ने खाना खा लिया जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टमक के अंदर इरिटेशन हो रहा है तो उसकी वजह से अगर हमको वोमिटिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक सिकनेस। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इमेसिस की प्रोसेस की कि हमारी बॉडी के अंदर वोमिटिंग क्यों होती है। उसके लिए अलग अलग तरह के जो रिसेप्टर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दोस्तों क्या प्रोसेस होती है, क्या मैकेनिज्म होती है, कौन कौन से रिसेप्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो उसके बारे में हम समझते हैं। तो दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर या फिर बात करें हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा होता है जो हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब क्या होता है, इस ब्रेन के मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर एक वोमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है जिसको मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है वीसी। तो दोस्तों मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर वीसी सेंटर प्रेजेंट है, मींस वोमिटिंग सेंटर प्रेजेंट है। जब भी ये स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, वोमिटिंग होगी। जब भी स्टिमुलेट होगा हमको क्या होगी, वोमिटिंग होगी। अब क्या होता है, इस मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर एक और जोन होता है या एक और एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं सीटीजेड। क्या बोलते हैं दोस्तों, सीटीजेड। सीटीजेड मींस कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। तो दोस्तों इस सीटीजेड के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहला रिसेप्टर होता है H1 रिसेप्टर जिसको हम बोलते हैं हिस्टामिन। सेकंड होता है D2 रिसेप्टर जिसको हम बोलते हैं डोपामाइन। थर्ड होता है 5-HT3 रिसेप्टर जिसको हम बोलते हैं सीरोटोनिन। फोर्थ है ओपियोइड रिसेप्टर और फिफ्थ है NK1 रिसेप्टर। उसी तरह सिक्स नंबर है कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो दोस्तों इस सीटीजेड के अंदर ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी इस रिसेप्टर के पास क्या होगा, अगर हमने कोई भी ड्रग्स ली है या भी कोई भी कारण होता है जिसकी वजह से अगर हमारी बॉडी के अंदर हिस्टामिन रिलीज होता है तो ये H1 रिसेप्टर उस हिस्टामाइन से जुड़ के यहाँ पे जुड़ जाएगा और इस सीटीजेड को एक्टिवेट कर देगा। और जैसे ही सीटीजेड कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एक्टिवेट होगा तो वह एक्टिवेट होकर वोमिटिंग सेंटर को इंड्यूस कर देगा और वोमिटिंग सेंटर जैसे इंड्यूस होगा तो हमको वोमिटिंग होने लग जाएगी।
तो दोस्तों इसी तरह से जब हम ऐसी कोई ड्रग लेते हैं या किसी भी कारण से हमारी बॉडी के अंदर डोपामाइन सीक्रेट होता है, तो वो क्या करता है, वो डोपामाइन इस डोपामाइन रिसेप्टर से आके बाइंड हो जाता है, और जैसे ही डोपामाइन रिसेप्टर से बाइंड होता है तो ये वापस सीटीजेड को एक्टिवेट करता है, उसी तरह वापस वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होगा, और वापस वोमिटिंग सेंटर के एक्टिवेट होने से हमको वोमिटिंग देखने को मिलेगी। इसी तरह बाकी रिसेप्टर के साथ में भी होगा। जब ओपियोइड रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, जब हम कोई एनाल्जेसिक ड्रग लेते हैं या फिर अफीम मॉर्फीन इससे रिलेटेड कोई भी ड्रग लेते हैं, तो वो क्या करेगी, वापस ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड होके वापस क्या करेगी, सीटीजेड को एक्टिवेट करके वापस क्या होगा, वोमिटिंग होगी। उसी तरह बाकी रिसेप्टर के साथ भी NK1 न्यूरोकाइन और कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ भी ऐसी प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारे सीटीजेड की बात। अब क्या होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर क्या होता है, सीटीजेड की तरह एक और एरिया या जोन होता है जिसको हम बोलते हैं NTS। एक और जोन होता है मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर, कौन सा, NTS। अब NTS क्या है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। और जब ये भी जब भी एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, वापस से वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होगा और वोमिटिंग होगी। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि जब हम ट्रेवल करते हैं कार के अंदर, बस के अंदर, तो हमको वोमिटिंग होती है, तो वो क्यों होती है। तो दोस्तों क्या होता है, हमारे ईयर के अंदर क्या होता है, हमारे जो इंटरनल ईयर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, तीन बोन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं मेलियस, इनकस और स्टेपीज। तो हमारे इंटरनल ईयर के अंदर क्या होता है, मेलियस, इनकस, स्टेपीज होते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, हम बात करें तो ईयर ओसिकल्स पाए जाते हैं। अब जैसे ही क्या होता है, हम ट्रेवल करते हैं बस के अंदर या कार के अंदर, तो क्या होता है, इनके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और जैसे ही इनके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होता है तो ईयर ओसिकल के अंदर भी वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और जैसे ही वाइब्रेशन क्रिएट होता है तो वो वाइब्रेशन जाके सीटीजेड को एक्टिवेट कर देता है, और जैसे ही वो वाइब्रेशन सीटीजेड को एक्टिवेट करता है, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को एक्टिवेट करता है, तो ये वापस पुरानी वाली प्रोसेस चलना लग जाती है। क्या होता है, सीटीजेड एक्टिवेट होगा तो वापस वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होगा, और वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होने से वापस हमको वोमिटिंग देखने को मिलेगी। ये हो गया हमारा कि जब भी हम ट्रेवल करते हैं बस के अंदर, कार के अंदर, तो हमको वोमिटिंग क्यों होती है, तो ये उसका कारण होता है कि वाइब्रेशन के थ्रू क्या होता है, सीटीजेड एक्टिवेट हो जाता है, और उसी के एक्टिवेट होने से हमको क्या मिल रही है, वोमिटिंग देखने को मिल रही है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं क्या होता है हमारे स्टमक के अंदर, क्या होता है कि जब हम किसी भी तरह का ऐसा उल्टा सीधा खाना खा लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर क्या होने लग जाती है, इरिटेशन होने लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक इरिटेशन। तो गैस्ट्रिक इरिटेशन की वजह से या हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी कीमोथेरेपी हो या कोई रेडिएशन थेरेपी हो या बात करें किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या कोई ड्रग हम यूज करते हैं तो उसकी वजह से हमारे स्टमक के अंदर अगर सीरोटोनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट होता है तो हमारे स्टमक के पास भी क्या होता है, 5-HT और PG रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या है, तो 5-HT मीन्स सीरोटोनिन और PG मीन्स प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इन पांचों कारण की वजह से जब स्टमक के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन और बात करें तो सीरोटोनिन सीक्रेट होता है तो वो क्या करता है, इन दोनों रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, और जैसे इन दोनों रिसेप्टर से बाइंड होता है तो ये रिसेप्टर क्या करते हैं, ये जाते हैं वापस मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर और वहां जाकर NTS को एक्टिवेट कर देते हैं। NTS मींस न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। इसको एक्टिवेट करने के साथ साथ में ये क्या करते हैं, सीटीजेड को भी एक्टिवेट कर देते हैं। तो इन दोनों रिसेप्टर ने क्या किया, NTS को भी एक्टिवेट कर दिया और सीटीजेड को भी एक्टिवेट कर दिया। अभी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि NTS और सीटीजेड दोनों ही क्या करते हैं, वोमिटिंग सेंटर को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, और जैसे ही वोमिटिंग सेंटर इंड्यूस हुआ तो वापस हमको वोमिटिंग देखने को मिलेगी। तो इन पांच कारणों की वजह से हमको वोमिटिंग देखने को मिलती है। तो बात करते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म की कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर वोमिटिंग हो रही है। तो दोस्तों हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, 5-HT रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, मींस सीरोटोनिन प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर प्लेटलेट भी प्रेजेंट होती है। अब प्लेटलेट के पास भी क्या होता है, 5-HT रिसेप्टर मींस सीरोटोनिन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अब हम कोई भी ऐसी ड्रग खाते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर सीरोटोनिन सीक्रेट होता है तो वो सीरोटोनिन जाकर इस 5-HT रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, और जैसे ही 5-HT रिसेप्टर से बाइंड होता है तो ये रिसेप्टर है सीटीजेड का रिसेप्टर है जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो 5-HT रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, सीटीजेड से बाइंड होगा, मींस कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन से बाइंड होगा, और वहां जाकर क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा, और जैसे ही सीटीजेड एक्टिवेट होगा हमारा वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होगा तो हमको वोमिटिंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की
तो दोस्तों जब भी हम कोई ऐसी बदबूदार स्मेल को सूंघ लेते हैं या फिर हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पेन होता है या हम कोई ऐसी जगह या ऐसी साइट देख लेते हैं जहां पे हमको डेड एनिमल लिखा हो या नेक्स्ट बात करते हैं साइकोलॉजिकल स्टिमुली की। अब इसके अंदर क्या, जब हम मान लो एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि हम पोस्टमार्टम हमने देख लिया तो वो हमको बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगा, तो कभी कभी हमारे माइंड में वो चीज आ गई कि यार पोस्टमार्टम ऐसे हुआ था। तो इन चीजों की वजह से क्या हुआ, हमारी बॉडी का जो हमारा ब्रेन का जो पार्ट होता है कॉर्टेक्स वो एक्टिवेट हो जाता है। इन चारों की वजह से क्या हुआ, हमारे ब्रेन का कॉर्टेक्स वाला पार्ट एक्टिवेट होगा और जैसे ही कॉर्टेक्स एक्टिवेट होगा वो क्या करेगा, वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट कर देगा और जैसे ही वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होगा तो हमको वोमिटिंग की प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समीर को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।